नमस्कार दोस्तों, बीएचयू 7 चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए लगातार फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुंबई एवं दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट चलती है और बाकी सभी जगह के लिए फिलहाल 1 ही फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट से संचालित होती है। मगर जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की मांग को देखते हुए अब एक और महानगर के लिए 2 फ्लाइट संचालन की जाएगी। तो दोस्तों, कल के दिन दरभंगा एयरपोर्ट के लिए एक और सुनहरा दिन बनने वाला है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एवं मुंबई के बाद अब बेंगलुरु के लिए भी दरभंगा एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट संचालित हो सकेगी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कितने बजे आप दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ सकते हैं और कितना किराया है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखें। बेंगलुरु से दरभंगा एयरपोर्ट पर 12:15 पर उतरेगी फ्लाइट। वहीं हम दूसरी फ्लाइट की अगर बात करें तो जो पहले भी संचालित होती थी 3:25 पर अपने समय पर ही आएगी। वहीं हम अगर दरभंगा एयरपोर्ट पर जो बेंगलुरु की फ्लाइट होती है, नई फ्लाइट आ रही है बेंगलुरु से, तो उसका टाइम है 12:45 पर यहां से उड़ान भरेगी और 3:15 पर आप बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको 7,502 रुपये देने होंगे। जो दरभंगा से बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट है, वहीं हम दूसरी फ्लाइट की अगर बात करें तो ये जो फ्लाइट है वो 3:55 पर उड़ान भरेगी दरभंगा से, और उतना ही आप 6:35 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और इसके लिए आपको 8,342 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है और कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो चुका है, और इसको देखते हुए लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसी बढ़ोतरी को देखते हुए फ्लाइटों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। वहीं बेंगलुरु की दूसरी फ्लाइट को 3:55 पर जो है सो हम शुरू होने वाला है, तो हमको बताते चले कि वो पूरी सोल्ड आउट चल रही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर अपडेट हम आपको समय के साथ पहुंचा सकें। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जितना से जितना सके शेयर जरूर करें ताकि जो है सो हर इंसान तक जो है सो ये खबर पहुंच सके और इस चीज़ का लाभ उठा सके वो सभी। तब तक के लिए शुक्रिया।